हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। सेवेंथ क्लास का मैथ करेंगे। एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, फाइंड द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल्स। ये पैरेलल लाइंस का पेयर है, इनको ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है और जो ये एंगल, ये जो लेटर्ड एंगल है, इनको हमें फाइंड करना है। तो देखो, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये एक्स हमें फाइंड करना है। तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये 60 का है तो एक्स भी 60 का होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल 60 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक्स 60 का हो गया, कितना हो गया एक्स? एक्स हमने फाइंड कर लिया, 60 का हो गया, ठीक है। अब y फाइंड करना है। x और y क्या है? ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। क्या है ये? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं। तो y, x अगर 60 का है तो y भी 60 का होगा, तो y इक्वल होगा x के, तो y कितना है? 60 का हो गया, ठीक है, क्योंकि x 60 का है। तो x भी कितना आ गया? 60 डिग्री, और y भी कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये फिगर गिवन है, ये 135 का है और ये q और p हमें फाइंड करना है। अब इसमें फिर से ये 135 का है तो ये इसके अपोजिट है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट मीन्स ये एक वर्टेक्स है और ये इनके एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्यों कितना हो जाएगा? 135, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये क्या है, क्यों आ गया 135 का, क्यों और ये पी, दोनों क्या है? ये एक लाइन के एक साइड है और दोनों अंदर है, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो पी और अगर हम क्यू दोनों को प्लस करें तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज को इंटीरियर एंगल सम इज 180। तो पी क्यू हमें पता है क्या, क्यू क्या है? 135 है। तो ये जो 130 एक लाइन आप यहाँ पे दोबारा से भी लिख सकते हो कि क्यू की जो वैल्यू है वो, बट मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्यू की वैल्यू 135 है। इधर आके क्यू की वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल के, इधर आके 180 में से, तो 180 में से 135 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45। पी क्या आ गया? ये आ गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। ये था इसका पार्ट सेकेंड। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये फिगर गिवन है, ए बी हमें फाइंड करना है और ये दे रखा है 70 डिग्री का। ये क्या है? 70 डिग्री है। ए 70 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि ये और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा, इसलिए ए 70। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया? 70 डिग्री। अब बचा क्या? बी फाइंड करना है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जब लीनियर पेयर फॉर्म होता है तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो अगर ए को और बी को हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ठीक है। ए कितना है? 70 डिग्री और बी हमें फाइंड करना है तो 180 होगा। बी को बी की जगह रहने दो, 70 इक्वल के इधर आके 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 110, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 110 आ गई है, ठीक है। ये था पार्ट थर्ड। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। करेंगे फोर्थ में ये फिगर गिवन है, ये 128 है और एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक साइड जो एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम 180 होते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन पे जो एक साथ जो एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं और लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री होता है। आप कौन सा भी लिख सकते हो, तो मैंने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाई है।
तो ये 180 है और x हमें पता नहीं है, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए 180, x प्लस 120 इक्वल होना चाहिए 180, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 होता है इसलिए। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 128 इक्वल के इधर आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 180 में से 128 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 52, x कितना आ गया हमारा, ये आ गया 52, ठीक है। अब y बचा, ये और ये एंगल क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है, तो y और x इक्वल होंगे, y बराबर होगी x के क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो y कितनी हो गई 52 क्योंकि x 52 था, ये भी 52 हो गई, ठीक है। अब ये बच गया z, z और ये और ये क्या है, फिर से कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ये 128 है, ये 128 है तो z भी क्या होगा 128, तो z भी 128 होगा बिकॉज कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। फिफ्थ पार्ट करेंगे, ये फिगर गिवन है, एक एंगल 75 डिग्री गिवन है, ए बी सी डी चार एंगल हमें फाइंड करने हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये 75 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड जो एंगल फॉर्म होते हैं ये लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे ए को और इसको 75 को प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए 180, ए प्लस 75 होना चाहिए 180 बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ए बराबर 180 और माइनस कर देंगे 75 को क्योंकि ये इधर प्लस का है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 105, तो ए कितना आ गया, ए आ गया हमारा 105, ठीक है। अब देखो बी, बी और ये 75 है तो बी क्या है, बी इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा क्योंकि ये एक वर्टेक्स और ये इसके अपोजिट में, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये वाला भी बी भी हो जाएगा 75, बी हो गया 75 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब बी और ए क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, और एक लाइन के इस साइड है, एक लाइन के इस साइड है, तो वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं, अगर ए 105 है तो डी भी 105 होगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके मतलब डी को ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं 105 हो गया, ठीक है। अब बच गया सी, बच गया ये 75 और ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये 75 है तो इसका ये कोरस्पोंडिंग एंगल है सी, तो ये भी 75 होगा, तो सी कितना होगा 75 डिग्री बिकॉज कोरस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल, ठीक है। अब करेंगे पार्ट सिक्स्थ पार्ट में ये फिगर गिवन है, अब देखो ये 62 डिग्री गिवन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस ट्रांसवर्सल ने इनको कट किया है, एंगल पी क्यू आर एस चार एंगल हमें फाइंड करने हैं, ये 62 है तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स कि ये पी भी 62 का होगा, ठीक है, पी हो गया 62, पी बराबर 62 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये मैंने रीजन दिया, आप भी रीजन दे देना। अब देखो पी 62 आ गया, पी प्लस क्यू ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एक साइड जो सम वो एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है, या फिर जो लीनियर पेयर फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर पेयर मतलब दो एडजेसेंट एंगल होते हैं तो वो लीनियर पेयर फॉर्म होती है तो उनका भी सम 180 डिग्री ही होता है, तो पी प्लस क्यू को अगर हम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल सम इज 180 होता है, ये रीजन मैंने दे दिया है। पी 62 है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल 180, क्यू को क्यू की जगह रहने दो, 162 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 118 आ जाएगा, पी कितना आ गया 118, ठीक है। अब देखो पी, अब बच गए आर और एस, पी और आर क्या होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होता है 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं पी प्लस आर 180 बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स सम इज 180, तो पी 62 है तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल 180, आर को आर की जगह रहने दो, 62 इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 118, ठीक है। अब बच गया एस, एस और पी, ये एस और ये पी, ये क्या है,
कोरस्पोंडिंग एंगल है। अगर ये 62 है तो एस भी 62 होगा, क्यों? क्योंकि जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं उनका जो पेयर होता है वो इक्वल होता है, तो ये 62 है तो ये भी 62 होगा। एस और पी इक्वल होंगे तो एस कितना आ गया 62, बिकॉज कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आता है या नहीं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।